हेलो एवरीवन, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा जो है वो 15-16 अक्टूबर को दो शिफ्टों में आयोजित की गई थी, जहां पर 15 की फर्स्ट शिफ्ट, 15 की सेकंड शिफ्ट, 16 की फर्स्ट शिफ्ट और 16 की सेकंड शिफ्ट में इसमें परीक्षाएं हुई हैं। तो देखिए, पेट की जो ऑफिशियल आंसर की है वो आज शाम तक या कल शाम तक आप लोगों की जारी कर दी जाएगी। तो इसमें क्या है, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा रही हो, चाहे उससे पहले वाली पेट की परीक्षा रही हो, तो आयोग ने 2 दिन के अंदर आंसर की जारी कर दी थी। तो आपकी जो आज ये पेट की ऑफिशियल आंसर की है वो या तो आज शाम तक आ जाएगी और या कल शाम तक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। फिर देखिए, अधिकतर लोगों का सवाल आ रहा था कि पेट में नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिलेगा। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो 15 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो कठिन आई हुई थी, और जो 15 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा टफ आया हुआ था 15 की सेकेंड शिफ्ट में। और बाकी जितने भी 16 तारीख के पेपर रहे हैं वो काफ़ी नॉर्मल रहे हैं, क्योंकि 16 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो भी आसान आई थी, और सबसे आसान जो रही है वो 16 तारीख की फोर्थ शिफ्ट जो है वो सबसे आसान रही है। तो आप लोगों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा देखने को मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा वो 15 तारीख की सेकेंड शिफ्ट वालों को मिलेगा, क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी आसान आया था, तो इन्हें तकरीबन 3 से 4 नंबर जो हैं वो आराम से नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि 15 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, इसको भी नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा देखने को मिलेगा, और इन्हें तकरीबन 3 नंबर तक का फ़ायदा देखने को मिल सकता है, और जितना इन्हें मिलेगा उससे ज़्यादा ही फ़ायदा 15 तारीख की सेकेंड शिफ्ट वालों को देखने को मिलेगा। अगर यहाँ 3 नंबर मिलता है तो उन्हें 4 या 5 नंबर का फ़ायदा देखने के लिए मिल जाएगा। और बात करें कि अगर 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में, तो 16 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी इसका पेपर जो था वो काफ़ी ठीक था, तो अगर देखा जाए तो इसी लेवल का पेपर होना चाहिए, तो इनको नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं मिलेगा, बल्कि जितने मार्क्स आ रहे हैं इन्हीं लोगों के हिसाब से देखे जाएंगे। लेकिन अगर 16 की फोर्थ शिफ्ट की बात अगर हम लोग कर लें, तो ये पेपर जो था, ये जितने भी चारों पेपर हुए हैं उन सभी में सबसे आसान रहा था, तो इस वजह से फोर्थ शिफ्ट वालों को हो सकता है कि जैसे पिछली बार जो हुआ था वो सेकेंड शिफ्ट वाले जिन्होंने पेट का पेपर दिया था उनको नॉर्मलाइजेशन निगेटिव में मिला था, जैसे कुछ लोगों को -1 मिला था, -2 मिला था, तो हो सकता है कि फोर्थ वालों को कुछ जो नॉर्मलाइजेशन है वो निगेटिव में भी देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ हो। तो देखिए, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आप लोगों का रिजल्ट जो है वो इस पे एक बार और हम लोग डाल देंगे आंसर की के अकॉर्डिंग, आप लोग इसी पे देख लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।